मौसम की पहली बारिश से उजागर हुआ पुराने प्रधान का नया चेहरा। नए प्रधानों ने नए सिरे से काम करवाने का किया वादा। उत्तर प्रदेश बहराइच, ताजा मामला बहराइच के शिवपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत खैरा कला का, जहां पर मौसम की पहली बरसात में गांव में पानी और कीचड़ इस तरह हो गया कि लोगों को चलना मुश्किल हो गया। इसके चलते गाँव वालों ने इसकी सूचना मीडिया कर्मियों को दी। जब मीडिया कर्मी गाँव पहुँचे तो गाँव की दिशा देख कर हैरान हो गए। जब ग्रामीणों से बातचीत की गई तो पता चला कि 25 साल बाद भी गांव की दशा में कोई सुधार नहीं आया है। इस बात पर जब मीडिया कर्मियों ने नए प्रधान से बात किया तो उन्होंने सरकार की बजट आने के बाद गांव में सुधार लाने का वादा किया। हमारे ब्यूरो राजीव कुमार सिंह की रिपोर्ट। मैं समय उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच के ब्लॉक शिवपुर अंतर्गत ग्राम सभा खैरा कला में खड़े हैं। जैसा कि इस उत्तर प्रदेश में हमारी यूपीए सरकार जो गांव के विकास के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही है, वहीं पर ग्राम प्रधान ने उस पैसे का इतना दुरुपयोग किया है कि जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह कीचड़ भरा हुआ है, यहां तक कि सारे गांवों को विकास को लेकर के सारे गांव में विकास के लिए सरकार सोच रही है कि गांव में आरसीसी बनाया जाए, नाली बनाया जाए, खड़ंजा बनाया जाए, लेकिन इस गांव में जब हम लोग पहुंचे कवरेज के दौरान तो यहां पे हमने देखा कि इस गांव की दशा इतनी खराब है कि जैसा आज तक हमको शायद यूपी में ऐसा कोई गांव नहीं मिला होगा। आइए हम कुछ ग्रामीणों से आपकी बात करवाते हैं कि इनकी समस्या क्या है। सर फिर कौन सा ग्राम पंचायत है? नहीं, ग्राम गांव कौन सा है? खैरा कला। ब्लॉक कौन सा है? शिवपुर। ये जो आपकी गांव के जो पानी मतलब बह रहा है, पानी कीचड़ जमा हुआ है, ये आपकी कितने दिनों से समस्या बनी हुई? ये दसियों साल से बह रहा है ऐसे। कोई नहीं कुछ इस बारे में आपने मतलब पुराने प्रधान जैसे कुछ कहा? सबसे कहा जाता है, कहा नहीं बजट आई तो बन गई है, बजट बन गई है, यही तो हम क्या जाने। सही बात है। कौन सा गांव ग्राम पंचायत है? ब्लॉक कौन सा? शिवपुर। जिला कौन सा? क्या समस्या बताइए? समस्या सर ये है कि हमारे 15 साल से रोड ऐसे दिख रहे हैं, जैसे हम लोग प्रधान से बोलते भी हैं, बोलते जब बजट आएगा करा देंगे करा, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। 15 कोई शादी समारोह अगर होता है तो गाड़ी आके रास्ते में फंस जाती है, फिर हम लोग धक्का मार के उसको अपने घर तक लेके आते हैं। ऐसा ऐसा तकलीफ हम लोग को झेलना पड़ता है। मतलब कोई रिश्तेदार अगर गांव को आना चाहे तो आके गांव के बाहर। 15 साल से ग्राम पंचायत है? ग्राम खैरा कला है। खैरा कला ब्लॉक कौन सा है? शिवपुर ब्लॉक है। शिवपुर है। जैसा इस गांव में हम आए हैं तो जो ये समस्या आपकी बनी हुई है, ये क्या हर साल ऐसे रहती है? नहीं सर, ये तो बराबर ही रहती है कि आप नहीं देख रहे हैं, अगर कोई कार होता तो हमारे गांव में रोड नाली खड़ंजा कुछ तो होता। इस बारे उन्होंने किया नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? आपने बात किया प्रधान जी, लेकिन 5 साल बीत गए कोई विकास नहीं, 15 साल बीत गए। वो इस बारे में आपने उनसे बात किया? जी जरूर किया कि वह गांव की समस्या देख लीजिए। उन्होंने कहा हमारा सत्ता सरकार नहीं है, ये है वो है, कुछ वही नहीं, कुछ नहीं जी। आपका क्या नाम है? आलू पुराने। कौन सा ग्राम छोड़ा है? जिला? ब्लॉक? प्रधान जी, आप दर्शकों को ये बताएं कि आपने कितने वोटों से जीत हासिल किया है? 346 वोटों से जीत हासिल किया है। तो जैसे मान लिया जनता ने आपको इतना भरोसा करके आपको इस पद पे बिठाया है, तो कुछ उम्मीद लेकर के आपको बिठाया होगा, तो जनता के बारे में आपने कुछ सोचा है? हाँ सोचे हैं, जनता हमको प्रधान बनाया। जैसे कि अभी हम आपके गाँव में आए तो आपके गाँव की दशा मेरे हिसाब से लग रहा है कि मेहपुरवा ब्लॉक में 0 नंबर पे है, तो इस कार्य को लेकर के कोई आप विकास करेंगे? जी हमको प्रधान ने जनता बनाया है, हम अपने हिसाब से अच्छा कार्य करेंगे, जनता के सामने अच्छा कार्य करेंगे। हमारे कार्य में जो आएगा, जैसे सड़कों पे जो कीचड़ उचड़ भरा हुआ है, नाली वाली, इसका निर्माण? हाँ इसका निर्माण करेंगे। मतलब जो भी सरकार से बजट आएगा आप ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। ओके, हमारी मीडिया की तरफ से आपकी जीत को बहुत बहुत बधाई।